अगर आपने मेरा ये और ये वाला वीडियो देखा होगा, सो आपको जो है पता ही होगा कि मैंने जो है सीए इंटर में डायरेक्ट एंट्री रूट लिया है और उसके लिए मैंने जो है ऑफलाइन क्लासेस भी लगाए हैं। सो इस वाले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि क्या मैं जो है सिंगल ग्रुप देने वाला हूँ या फिर बोथ ग्रुप, ठीक है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो शुरुआत करते हैं मेरे क्लासेस से। देखो, मैंने जो क्लासेस लगाया है उसमें जो है लेक्चर्स बोथ ग्रुप के लिए होते हैं। मीन्स ऐसा नहीं होता कि एक ग्रुप पहले पढ़ा दिया और बाद में सेकंड ग्रुप पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता। बोथ ग्रुप के लेक्चर जो है कंबाइनली चलते हैं और उसके साथ साथ उसके टेस्ट भी होते रहते हैं, और उसके बाद में हमें डिसाइड करना होता है कि क्या हमें जो है सिंगल ग्रुप देना है या फिर बोथ ग्रुप, ठीक है। ये हो गया मेरे क्लास का सीन। अभी मेरा सीन सुनो। सो जब मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे तब मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली डिसाइड किया था कि मैं जो है बोथ ग्रुप ही दूंगा। बट जैसे जैसे मैंने एक एक सब्जेक्ट को देखा, समझा, सो मैंने जो है पाया कि दो सब्जेक्ट मेरे दिमाग का पूरा ही दही कर दे रहे। उसमें से सबसे पहला सब्जेक्ट है ऑडिट और दूसरा सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। सो कॉस्टिंग तो चलो ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर करके उस पर थोड़ी कमांड ला सकता हूँ। बट ऑडिट जो है पूरा ही थ्योरी सब्जेक्ट है और थ्योरी सब्जेक्ट मुझे पहले से ही पसंद नहीं है, ठीक है। ये हुआ मेरा सीन। अभी ये दोनों सीन पर डिपेंड करता है कि क्या मैं जो है बोथ ग्रुप दूंगा या फिर सिंगल ग्रुप दूंगा। देखो, स्टार्टिंग में मैंने डिसाइड किया था मैं जो है बोथ ग्रुप ही दूंगा, बट अभी मेरा जो है डिसीजन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। मैं जो है बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करूंगा, बट बोथ ग्रुप दूंगा या फिर सिंगल ग्रुप दूंगा ये जो है मैं एग्ज़ाम फॉर्म फाइल करने के टाइम ही मतलब डिसाइड करूंगा। अभी देखो, शायद किसी किसी को ये जो है गलत लग सकता है कि हमें जो है पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। आई अग्री, मैं भी वही कर रहा हूँ, बट डिसीजन में थोड़ा सा चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आगे जाके मेरे को ऐसा लगे कि नहीं, सिंगल ग्रुप देना ही बेटर ऑप्शन है, सो मैं जो है सिंगल ग्रुप ही दूंगा। सो यही था वीडियो। अगर आप भी सीए इंटर स्टूडेंट हो और मैं 24 में एग्ज़ाम देने वाले हो, सो आप क्या करने वाले हो ये मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो सो इसके बारे में क्या आपके ख्याल है वो भी मेरे को जो है कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और अगर आप सीए से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम बाय बाय।